अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हो सारे? हाँ जी, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग 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 वीकेंड। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा जो छुट्टियाँ हो गई हैं, मैं यार सिर्फ थोड़ा सा ना सोशल लाइफ से थोड़ा सा दूर हुआ हुआ था, खुद ही ज़रा कामों में बिजी था, दैट्स व्हाई ज़रा व्लॉग नहीं था बना रहा। मैंने कहा चलो आज बनाते हैं व्लॉग, क्योंकि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। यहाँ पर जो ये मेरे पीछे है ना, ये है मेरे नानकों की हवेली है। ठीक है, तो नाना बुआ वगैरह की पुरानी हवेली है। एक तो इन्होंने ये भी न्यू बनानी है, दूसरा मैं यहाँ पर अपना घर बना रहा हूँ नया। बहुत बहुत मुबारक हो जी मुझे। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अपनी नींव तैयार हो चुकी हैं। आज इसके अंदर भत्ती डालनी है मिट्टी, तो उसका ही वेट कर रहा हूँ। मेरी हो गया ठेका, आज मैंने इनके साथ किया है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मुझे ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, तो लग रहा है मुझे पहुँच गए हैं। लेट्स सी। हाँ वही है करा आ गया जी। ठीक है, तो ये घर बन रहा है, ये अमर भाई का घर ये साथ है। ठीक है, और उसके आगे रबनाज भाई के घर है। तो चलें साथ साथ आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है यहाँ पर, क्योंकि मैप भी मैंने खुद तैयार किया है, और जो सा डिज़ाइन भी, जो एलिवेशन है इसकी फ्रंट एलिवेशन, वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आज मिट्टी डलवाते हैं, भत्ती डलवाते हैं। दो दिन से यार मैं ज़रा आवाज़ और हुआ था कि मिट्टी नहीं डाल रही जी। लो जी माशाल्लाह, ये थोड़ी दीवार ऊंची थी सड़क से। ठीक है, तो वो काटी है ताकि मिट्टी के लिए ना रैंप बन जाए, तो फिर ये गराज है अपना, तो इधर से काम शुरू करेंगे। ठीक है, मैं वो पाइप पीछे कर लूँ, मैं सुबह आके पाइप से ना पानी लगा रहा था, तो पाइप पीछे कर लूँ तो फिर काम शुरू कर दूँ। जी माशाल्लाह काम शुरू हो गया है, और आपको मिलाता हूँ मैं अपने इंजीनियर ठेकेदार मिस्टर बाऊ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये हाल है बाऊ जी? ठीक हो? ठीक है, ये हमारे ठेकेदार हैं जी। बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर लिया हमने, तो अब देखते हैं कितनी देर में ख़त्म होता है। धूप भी आज अच्छी खासी निकल रही है दो चार दिनों के बाद, तो बारिश आ रही होती रही है, उतनी देर काम रुका रहा है हमारा। ये देखें ना, ठीक है, तो आपसे पूछा भैया मिट्टी कैसी है, उसने कहा मिट्टी तो बहुत अच्छी है, मेरे की या पता नहीं फल की मिट्टी जो भी कहते हैं उसको, ये वो है। भर्ती डलवाते हैं भैया, हम दूसरी ट्राली भी है ये, और देखें अल्लाह करे चलो भाई। हाँ जो बचो। अच्छा जी, अभी तो चार ट्रालियाँ आई हैं, तो अभी तो इतना सा कवर हुआ। ठीक है, एस्टिमेटेड जोन सा है वो जी 60-70 जोन सा है ना, ट्रालियाँ आएंगी जो मिट्टी की जो कवर करेंगी यहाँ पर। बाकी हमारे बाजवा हेयर सलून भी यहाँ पर आ चुके हैं। क्या हाल है सामने जी? बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? चवले मार रहे हैं आजकल? अच्छा यार, तुम लोगों को मैं ये बताता हूँ क्या क्या सीन है। ये अपनी मेन एंट्रेंस यहाँ से होगी, गैराज यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे आ जाएगी ये लॉबी, लॉबी के अंदर ही हम सीढ़ियाँ चढ़ाएंगे, मेन दरवाज़ा यहाँ से, फिर एक टीवी लॉन्च हो आएगा यहाँ पर दरवाज़ा, ये आएगा ड्राइंग रूम। ठीक है, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा भी जो लॉबी के अंदर ही देंगे हम, फिर उसके बाद जो ये टीवी लॉन्च है, टीवी लॉन्च के अंदर ये आगे आ जाएंगे कमरे, और ये आ जाएगा किचन। मेरी बात वहाँ पर रहेगी, अली भैया आ गए थे। अच्छा, वो किचन है, ये आ जाएगा टीवी लॉन्च, फिर आगे हैं जी ये दो बेडरूम्स, और वो एंड पे दो बाथरूम, दोनों को हम देंगे एग्जॉस्ट ये गली के अंदर। इस साइड पे भी गली है, इस साइड पे भी गली है। ठीक है, तो अभी शोर बहुत ज़्यादा होगा, आप लोगों को ये ट्रैक्टर का शोर लग रहा होगा, पर अब काम जो से करने हैं। ये पुरानी हवेली है, ये काफ़ी ऊंची हुआ करती थी, सड़क से बहुत ऊंची हुआ करती थी, कम अज़ कम 3-4 फुट जो सी ऊँची होती थी। पर जैसे जैसे यहाँ पर कोई निज़ाम है ही नहीं गाँव के अंदर, खानका डोगरा के अंदर, कि जी पहले होता है ना रूल होता है कि जी आप उतनी जो सी सड़क है वो ऊंची नहीं कर सकते, जहाँ से है वहाँ पर नहीं बनानी है, तो उतने ही लेवल पे बनती है, पर यहाँ पर वो कैसा रूल नहीं है यहाँ पर, तो वो ऊंची करते जाते हैं, तो सड़क से जो सड़क ऊंची जाती है, और घर वगैरह जो उनसे हैं वो नीचे होते जाते हैं, इसलिए मैं भी ज़रा नहीं ऊँची रखी हैं सड़क से, काफ़ी ऊँची रखी हैं, ताकि कल को फिर ये बनाएं भी तो हमारा ज़रा घर जो सा ना ऊँचा ही रहे। हवेली ये देखें ना कितनी अच्छी चली गई है। ठीक है,
तो ये भी इन्होंने वैसे रेविनेट करनी है, रेविनेट क्या गिरा के नई भी बनानी है, वो भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, तो बना के इनको दूंगा। बाकी अल्लाह खैर रखे, काम आज का ये है कि आज भर्ती डलनी है, फिर इंशाल्लाह ऊपर चुनाई शुरू करेंगे, तो वो भी आपको इंशाल्लाह साथ साथ दिखाऊँगा। लॉबी तक तो आ गई है मिट्टी, हाँ बस ऐसा ऐसा बस इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि पहले किचन और टीवी लॉन्च के अंदर डालते हैं ना, फिर ये होगा कि ट्रॉलियाँ जो सी ना यहाँ ऊपर आ जाएंगी, तो कमरों में भी इजी चल जाएगी, ड्राइंग रूम में भी जहाँ जहाँ जाना होगा ना फिर इजी हो जाएगा। तो अभी जो सा है कोई सातवीं आठवीं ट्राली आई है अभी, तो थोड़ा सा ना रोला ये भी है यार, यहाँ पर ना हमारी मेन वायर्स हैं, ये देख रहे ऊपर, ये आगे बहुत मुश्किल से बचा है, थोड़ी सी टच हुई है पर निकल गई ट्रॉली, शुक्र है करंट नहीं पड़ा उसे, ये बहुत शुक्र किया है। तो बस कोई नहीं, एहतियात करके काम करते हैं अपना। काफ़ी आ गई है यहाँ पर, आगे तक आ गई किचन तक, ठीक है ऐसा ऐसा लगे हमें मौसम में, कभी बन जाता है बादल आ जाते हैं, कभी जो उनसे मतलब के छाँव आ जाती है और कभी धूप आ जाती है, तो लगे हुए मैं यहाँ पर चेयर्स पे बैठा हुआ था एक साइड पे ही पंखा लगा कर, गंद बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पर, अरे ये है कि हो जाएगी सफाई वगैरह भी। चलो बर्फी काफ़ी आगे आ गई, अब ट्रॉलियाँ जो सीना ऊपर भी आना शुरू हो गई हैं, तो कोशिश यही है कि ट्रॉली ऊपर लेके आएँ और इसके अंदर ना एक ट्रॉली से डालने, फिर ट्रैक्टर का जो थोड़ा काम है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। वहाँ पर यार असल में एक और रोल है यहाँ पर, ये तारों की वजह से वो मसला पड़ रहा है, आपको पहले भी बताया मैंने। ये ट्राली पर ट्राली आ रही है, कहाँ सबको भी टाइम नहीं मिल रहा अभी मैं ट्राली भरी है तो ये इसके साथ कोचिंग करेंगे, मतलब कि जो है ना संगली जो है इसके साथ डाल कर, तो फिर आगे कहेंगे संगली या पंजाबी में चेन, इसके साथ यहाँ पर चेन डालेंगे, ये चेन डाल के हुक करेंगे, हुक करके फिर इसको साथ साथ खींचेंगे ताकि नीचे की ट्राली ऊपर ही आ जाए, तो बेहतर होगा कि यहाँ से ऐसे डलती जाएगी। हद तक यार काम सारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है उधर भी इधर भी काफ़ी हद तक हो गया और मौसम भी अच्छा खासा हो गया भैया, बादल दोबारा आ चुके हैं, पिछले दो चार दिन अच्छी खासी बारिश होती रही है, मैं बारिश के अंदर भी काम करवाता रहा हूँ अपने मिस्त्रियों से, ये उसके निशान आ गए, देखे ना डैम डलवाया था, बारिश गिरती है ना उसके ये बन गया है, वो पानी के जो कतरे गिरते हैं उसका बन गया।
के बाद काम अपना बस खत्म होने वाला है। रात भी हो गई है। The next day. गुड मॉर्निंग जी, वापस आ गए हैं दोबारा। रात को जो सा काम था ना, वो बस थोड़ा बहुत रह गया था। ये देख रहे हैं, सिर्फ ऐसे कर लेंगे, चार पांच जो से ना ट्रालियाँ रह गई थी डलने वाली। तो शाम काफ़ी हो गई थी, 7-8 बज चुके थे। तो फिर ये भी इंसान है यार, सुबह से लगे हुए थक गए थे, अभी भी यार ट्राली आ गई है। बस थोड़ा सा रह गया, काम ख़त्म हो गया इंशाल्लाह, तो फिर घर चलते हैं। बाकी रंग भी मेरा देख रहे हो आप, अच्छा खासा जो सा ना ख़राब हुआ हुआ है, इसीलिए टैन हो गया मुझे और ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम अपना ख़त्म हो चुका है, मैं भी फ्रेश होकर दोबारा से आ गया हूँ। ये देखें, सारी भर्ती डल गई है, मिट्टी डल गई हुई है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो काम ख़त्म हो गया। सुबह अब इंशाल्लाह इसके दोबारा वो काम शुरू करेंगे, चुनाई शुरू करेंगे। उतनी देर यार इस व्लॉग को करते हैं अब यहाँ पर एंड। आप लोग दें मुझे इजाज़त। अगर मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। अल्लाह हाफिज़। So please sabra kara sara kabar sabra kara hai sabra kara sara kabar sabra kara hai sabra kara sara kabar sabra kara sara kabar sabra 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 please subscribe to my YouTube channel okay thank you।